इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 26 सितंबर से ही हो रही है। 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा मां आदि शक्ति की उपासना का ये पावन पर्व 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी की भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्र के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इस दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। नवरात्र के शुभ अवसर पर सबसे ज्यादा लोग नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि में गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी इस बार शारदीय नवरात्र में गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्र में गृह प्रवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय कलश को साथ जरूर रखें। इस कलश में जल भरकर उसमें आम की 8 पत्तियां और नारियल रखें। साथ ही कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। नवरात्र के दौरान गृह प्रवेश से पहले घर के मुख्य द्वार पर अशोक या आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण जरूर लगाएं। इसके अलावा अबीर और रंगों की सहायता से माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह और रंगोली भी बनाएं। शारदीय नवरात्रि में नए घर में गृह प्रवेश करते समय कलश के साथ मांगलिक चीजें जैसे नारियल, हल्दी, गुड़, अक्षत को जरूर लें। इसके अलावा नए घर में प्रवेश करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि पति पत्नी को साथ में प्रवेश करना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय पति को अपना दाहिना पैर आगे और पत्नी को बायां पैर आगे रखना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ घर के ईशान कोण में बने पूजा घर में मंगल कलश की स्थापना करें। साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र की स्थापना पूजा घर में जरूर करनी चाहिए। नवरात्र में गृह प्रवेश करने के बाद घर के हर कोने में गंगा जल, हल्दी और चावल का छिड़काव जरूर करें। इसके साथ ही नवरात्र में गृह प्रवेश करने पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरित मानस का पाठ करना शुभ होता है।